वेलकम स्टूडेंट विद न्यू एपिसोड। आज जो हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम डिमांड एनालिसिस की बात करने वाले हैं। इस वीडियोस की अगर बात करें तो इस कंसेप्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे हम एक डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली सिर्फ डिमांड एनालिसिस को लेकर, कुछ टॉपिक जो हम अभी इसमें कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट से। हम बात करेंगे इसके ओवरव्यूज को लेके। तो ओवरव्यूज कहते हैं, सबसे पहले हम इस टॉपिक में करेंगे इंट्रोडक्शंस को लेके, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेके। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आफ्टर हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। एंड फाइनली हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड जो हो रहेगा इस डिमांड एनालिसिस के जो पार्ट ए रहने वाला है, यानी पार्ट वन रह रहा है, उसके हम ये चार टॉपिक्स अपने कवर अप करेंगे। सो गाइज, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस और अपने व्यूज़ लिखना ना भूलें, ताकि हमें ये इंस्पिरेशंस मिलती रहे कि हम और अपनी वीडियोस को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। सो प्रोसीड करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की। तो इंट्रोडक्शंस जैसे हम बात करें, तो सबसे पहले बात आती है डिमांड की। तो पता हो कि डिमांड एग्जैक्टली क्या है गाइस। सो इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉर्मली अगर बात करें तो डिमांड एग्जैक्टली होती क्या है, व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू पे और परचेज। जब एक आदमी एक चीज को खरीदना चाहता है और वो खरीद भी सकता है, उसको हम कहते हैं डिमांड। नॉर्मली अगर बात करें ऐसे जर्नल लैंग्वेज में बात करें तो वांट, डिमांड एंड डिजायर तीनों कहने में सेम है, बट इकोनॉमिक्स के मामले में अगर बात करें वांट, डिमांड एंड डिजायर जो है वो अलग अलग रहती हैं। सारा का सारा मैटर करता है, दैट इज अबाउट द विलिंग एंड एबल, क्या आदमी विलिंग है या एबल है। तो डिमांड के कंसेप्ट में कहते हैं जब आदमी विलिंग और एबल दोनों होता है तो उसको हम कहते हैं डिमांड। बट जब आदमी एबल है और विलिंग नहीं है, नोट डाउन कर लें गाइस। सो जब आदमी क्या है, एबल है बट विलिंग नहीं है, तो उसको कहते हैं वांट, यानी वो जरूरत है, वो ले तो सकता है बट लेना नहीं चाहता। बट अगर आदमी विलिंग हो बट एबल ना हो, यानी वो लेना चाहता है बट ले नहीं सकता, जैसे कि आप आईफोन लेना चाहते थे बट ले नहीं पा रहे, आप लेना तो चाहते बट ले नहीं पा रहे, दैट मीन्स योर डिजायर। तो इकोनॉमिक्स में इन तीनों के मतलब अलग रहते हैं, बट हमारी इकोनॉमिक जनरली डिमांड को लेके कहती है व्हेन द पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू पे और परचेज ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज, दैट बी कंसिडर एज योर डिमांड। बात करें नेक्स्ट हमारी आती है क्वांटिटी डिमांड को लेके स्टूडेंट्स। तो क्वांटिटी डिमांड इज अ टर्म यूज इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर डिमांडेड ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यानी कि एक इंटरवल टाइम, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये सिंपल है कि कितनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है। अब कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, उसका सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की डिमांड है, जैसे कि आप फोन लेना चाहते हैं, घड़ी लेना चाहते हैं, आप लेट इट बी ग्रेप्स लेना चाहते हैं, आप सब्जी लेना है, टमाटर, तो एक क्वांटिटी उसकी डिमांडेड रहेगी, आप पूरी की पूरी नहीं ले पाएंगे। एज पर द प्राइसेस आप उसकी डिमांड डिसाइड करेंगे, उसी को हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। बात करें थर्ड टॉपिक, दैट इज अबाउट द डिमांड स्केड्यूल। और स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। मैं पहले बता दूं डिमांड का एक टेबल, तो क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, इट इज अ टेबल दैट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट द डिफरेंट प्राइस इन द मार्केट। तो डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड रहेगी उसके बारे में ये बात करती है। एक सिंपल सा एक टेबल होता है जहाँ पे आपको प्राइस इंडिकेट किया जाता है, जहाँ पे आपको डिमांड इंडिकेट की जाती है, और वो टेबल इंडिकेट करता है इतने प्राइस पे लोग कितनी मार्केट में डिमांड क्रिएट करें। यहाँ पे अगर मोर ओवर करें इस टॉपिक को लेके, तो डिमांड स्केड्यूल गाइस दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक होती है हमारी मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल यानी एक आदमी की एट दैट प्राइस वो कितनी डिमांड करना चाहता है, और मार्केट डिमांड स्केड्यूल मतलब कि उस मार्केट के प्राइस पे टोटल मार्केट में कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। सो ए प्लस बी और सी, जितने तीन लोग हैं और तीनों की इंडिविजुअली अपनी अपनी डिमांड होगी। भैया मेरी चॉकलेट की डिमांड अलग रहेगी, आपकी डिमांड अलग होगी, तो आपकी और मेरी अगर मिला दें एट दैट 10 रुपीज़ प्राइसेस या 20 रुपीज़ प्राइसेस पे, तो दोनों की डिमांड को मिला के अगर बात करें, ऐसा टेबल, दैट इज द मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इसी तरह से आती है डिमांड कर्व की बारी। तो डिमांड कर्व कहती है, इट इज अ शोज
रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस इन अ गिवन मार्केट ऑन अ ग्राफ। तो ये सिंपल से एक कर्व है, तो डेफिनेटली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दिखाती है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, कि किस तरह का प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन रहेगा। और हम ये भी कह सकते हैं दैट द डिमांड कर्व इज सिंपली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। जो टेबल बनाया है हम उसी को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। प्रोसीड करते हैं सबसे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये और हर आदमी को इसके बारे में पता होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड गाइस कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट वेन एवर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा दैट प्रोवाइडेड अदर थिंग रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। तो कहता क्या है कि सिंपल सा है कि यहाँ पे कहता है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस के इनवर्स चलेगी। लॉ स्टेट्स दैट अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ेगा तो आप उस चीज की डिमांड को कम कर देंगे, और अगर आप किसी चीज का प्राइस कम करेंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये तो आपने भी देखा होगा कि अगर कोई चीज सडनली सस्ती हो जाती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, जबकि अगर वही चीज महंगी हो जाए तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है गाइस, प्याज और टमाटर जब महंगे होते हैं तो आप वहीं पर देख लेना आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एज कम्पेयर टू प्रीवियस नॉर्मल प्राइसेस के कंपेटिवली डिमांड कम हो जाती है। यही लॉ कहता है कि बट इसके अलावा बाकी की जो चीजें रहेंगी वो सारी रहेंगी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की बात करें तो अजम्पशन में आता है PR, PX, PR, YT, FE, NP, and YD, ये सारी चीजें जो रहने वाली हैं ये सारी चीजें रहेंगी कांस्टेंट। और ये सारी चीजें क्या है, वीडियो स्किप ना करें, अगले टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फंक्शन में कि ये सारी अजम्पशन जो हम ले रहे हैं ये सारी कांस्टेंट रहेगी, ये सारी सेम रहेंगी, बट ये सारी चीजें क्या है हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। बात करें इसके टेबल्स को लेकर, तो गाइस टेबल आप जैसे कि देख रहे हैं तो टेबल और डायग्राम इंडिकेट करती है कि एक साइड आपके प्राइस है और एक साइड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है प्राइसेस फॉल कर रहा है 10, 8, 6, 4, 2, 0, वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आपकी प्राइसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये इनवर्स रिलेशन इंडिकेट करता है कि यहां पे रहता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांट डिमांड, क्योंकि लॉ कहता है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब बात करें इसके डायग्राम की, तो डायग्राम कर्व जो है आप डिमांड कर्व क्या बताया, डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तो स्लोप क्या रहेगी आपकी, डाउनवर्ड रहने वाली है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके दिखा रही है दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे आपकी प्राइस कम होगी या आपकी प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड जो होगी वो उसके इनवर्स ही वर्किंग में करेगी। अगर बात करें इस लॉ की और यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात आती है, सो गाइस एक्सेप्शंस को मैं हल्का सा बता दूं, मैं व्हाइट बोर्ड में बिल्कुल एक्सेप्शंस को बताऊंगा। सो एक्सेप्शंस कहती है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती। तो हम कहते हैं सबसे पहले आती है गिफन गुड्स, सेकेंड आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, थर्ड आपकी हैबिट्स, फोर्थ आपकी एमरजेंसी। तो ये कुछ जगह ऐसी रहती है जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अब लॉ ऑफ डिमांड जब हम कह रहे हैं काम नहीं करता, इसका मतलब आप अगर इन चीजों के प्राइस बढ़ाएंगे या कम करेंगे इससे क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शनेटली वर्क नहीं करेगी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इनवर्स काम नहीं करेगी कैसे, एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो हम हैबिट्स की बात करते हैं, जिस आदमी को किसी चीज की हैबिट है लाइक ड्रग्स की बात करें या कोई अपने शौक की बात करें या अपनी ट्रेंडिंग की बात करें, तो अगर नए नए कपड़े आते हैं, ट्रेंड भी एक मैटर करता है वैसे, तो अगर कई चीज ट्रेंडिंग आती है तो वो कॉस्टली ही रहेगी। आईफोन 12 तो कॉस्टली होगा लेकिन जितनी ज्यादा उसकी प्राइस रहेगी लोग ट्रेंड के चक्रों में उतना पैसा भी खर्च कर लेते हैं। दूसरी बात करें हैबिट्स की, तो जिसने स्मोक करना है उसने स्मोकिंग करनी है, जिसने ड्रिंक करनी है वो करेगा, चाहे आप रेट जितना मर्जी बढ़ा दें क्वांटिटी पे इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। तीसरी अगर बात करें नेसेसिटीज की या इमरजेंसी की, जब आपको कहीं लग जाती है आपका अपना कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है तब आप डॉक्टर से प्राइस के बारे में नहीं पूछते, वहाँ पे ये लॉ काम नहीं करता कि आपके सर रेट ज़्यादा होंगे तो आप मेडिसिन के डोसेस कम देंगे। और साथ ही साथ गिफन गुड्स की बात करें तो गिफन गुड्स को एक इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है, और जब हम बात करें इन्फीरियर गुड्स की तो इन्फीरियर गुड यानी कि जो चीज़ें सस्ती हैं उसके रेट भी ऑब्वियसली पॉजिटिवली ही चलेंगे। तो हम ये सारे एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस के बात करें बात तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ अबाउट जो चेंज इन डिमांड। बट चेंज इन डिमांड से जाने से पहले गाइस पहले हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की। सो जो हमने अपने पिछले टॉपिक में अजम्पशंस को सारी कांस्टेंट लिया था इन्हीं को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस रिमाइंड वन थिंग, आपकी जो अभी हम डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं डिमांड फंक्शन की बात करें इसको
बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है तय करना डिमांड, डिमांड को कौन डिटरमाइन करेगा, या फिर डिमांड फंक्शन यानी कि डिमांड कैसे फंक्शंस करती है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, यानी एक्स के चेंज होने से वाई के वेरिएबल्स पे क्या चेंजेस आ रही हैं। मैथमेटिशियंस हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे फंक्शंस क्या मतलब होता है, और अगर आप मैथ नहीं रखा है तो आपको बता दूं कि एक्स के चेंज होने पे वाई कैसे रिएक्ट करेगा, या वाई के चेंज होने से एक्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी, उसी के बारे में बात करें। सो सबसे पहले अगर बात करें हम पी एक्स की, तो कहते हैं कि डिमांड जो चेंज होगी, अब डिमांड चेंज हो रही है, क्यों चेंज होगी, अगर सपोज करो कोई एक्स वाई जेड मेरे पास कमोडिटी है और उस कमोडिटी की हम बात करें कि उसकी डिमांड को हम जज करना चाहें, तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे ये मोबाइल लेता हूं, मैं कहता हूं इस मोबाइल की जो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी कौन डिसाइड करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, तो सबसे पहले डिसाइड करेगा पी ऑफ एक्स। सो पी ऑफ एक्स कहता है दैट इज द प्राइस ऑफ एक्स, तो प्राइस ऑफ एक्स मींस द प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, इसके खुद का प्राइस सबसे पहले डिसाइड किया। अगर इसके रेट आप ज्यादा रखेंगे तो इसकी डिमांड कम रहेगी, और अगर आप इसकी प्राइसेस कम कर देंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस फोन की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी डिसाइड कर रहा है प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। सेकंड अगर बात करें गाइस, तो सेकंड आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कहता है कि इसके साथ वाला जो गुड होगा, जिस मोबाइल से मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ उसकी भी डिसाइड की जाएगी। ये नोकिया का फोन है, और अगर बात करें इसके साथ सैमसंग भी सेम फीचर फोन के साथ होगा तो उसकी भी प्राइस डिसाइड की जाएगी। सो कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी मैटर करता है, बट यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आता है। सो गाइज, सब्सटीट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो जो हमारे दो गुड्स होते हैं हमारे रिलेटेड गुड में, दो कैटेगरीज आती हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करें तो ये वो गुड्स होते हैं जो इजीली सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, लाइक टी एंड कॉफी, कोक एंड थम्स अप, सेम सेम। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहता है कि जब आप एक चीज यूज कर रहे हो उसके साथ वाली, जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल के साथ बैटरी है ना, तो जैसे आपकी कार है तो कार के साथ पेट्रोल, जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, जरूरी है, उनकी बात हो रही है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज हमारी इंडिफरेंस का ऑर्डिनल अप्रोच वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बताया है। व्हाइट बोर्ड वाली क्लास बिल्कुल ना बोले, वहां पे मैं बिल्कुल डिटेल में इसको समझाऊंगा सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या रहेंगी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी इसके साथ वाले गुड्स के साथ भी इसका रिलेशन रहता है, बट यहां पे देखने वाली बात ये आती है गाइस कि इसके साथ अगर सब्सटीट्यूट गुड की बात करें तो सब्सटीट्यूट गुड के साथ अगर हम बात करें तो अगर हमारा इस फोन का प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अगर उस फोन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हमारा सैमसंग का फोन महंगा है, सेम फीचर में नोकिया मिल रहा है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो आपको आसान भाषा में समझाने के लिए कह दें कि सब्सटीट्यूट गुड जो होते हैं वो पॉजिटिव रिलेशंस के साथ चलते हैं। पॉजिटिव रिलेशंस मतलब कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई का प्राइस बढ़ेगा जो कि सब्सटीट्यूट गुड है, तो डिमांड ऑफ एक्स भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस ऑफ वाई कम हो जाएगा और एक्स एंड वाई सब्सटीट्यूट गुड हैं तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसके प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो दोनों का जो फ्लक्चुएशंस है अप एंड डाउन इक्वल है, तो इसीलिए इनके कहते हैं पॉजिटिव रिलेशंस। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें एक्स एंड वाई की, तो अगर कार और पेट्रोल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, अगर सपोज कीजिए पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो नेचुरली कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो इसमें नेगेटिव रिलेशन रहेगा कि अगर आप एक चीज़ के रेट बढ़ा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी दूसरे के रेट बढ़ रहे हैं, कार के रेट नहीं बढ़ रहे, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, लोगों को लगेगा पेट्रोल गाड़ी जो है वो महंगी है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके तरफ हमारी डीजल गाड़ी की तरफ, तो नेगेटिव रिलेशन रहता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये बिल्कुल नोट डाउन कर लें, स्किप ना करें इसको। नेक्स्ट मूव ऑन करें थर्ड, दैट इज अबाउट द वाई। वाई इज द इनकम, इनकम कहते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, मेरी इनकम कम होगी मैं डिमांड कम होगा, इसमें समझाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा लेंगे, और आपकी इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अभी लॉकडाउन में जितने लोगों की जॉब जा चुकी है तो आप वहीं से सोच सकते हैं, अगर उनकी इनकम सोर्सेज कम हुई तो उनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जरूर हुई है। बात करें टी, दैट मींस अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, टी इज अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब जब इंपैक्ट की बात आ रही है तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरह से, अगर मुझे कोई चीज टेस्टी लगती है, मैं किस चीज को प्रेफर करता हूं, मुझे ये फोन प्रेफरेबल है, तो नेचुरली इसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर मैं किसी चीज को, कोई आप एक शॉप देखें उसके मोमोज, उसके डोसा बड़े टेस्टी हैं, तो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे एलबी को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, एलबी के अगर बर्गर अच्छे हैं तो
तो नेचुरली क्या होगा, एलबी की डिमांड इसीलिए इतनी ज़्यादा है। तो गाइज एलबी में बर्गर खाना ना भूलें, तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे फ्री में प्रमोशन है। तो एलबी में जाके एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि अगर उसके बर्गर अच्छे हैं तो ही तो इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो बात करें नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड विद इट्स प्राइस, इसके प्राइस को लेके अगर कोई आदमी फ़ोन लेना चाहता है और पता है कि नेक्स्ट मंथ उसके रेट जो है डाउन होने वाले हैं, तो नेक्स्ट मंथ जो उसके रेट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है हुए नहीं है, तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इसके रेट डाउन होंगे, तो इसकी डिमांड आज कम हो जाएगी, क्योंकि हम ये सोचेंगे इसको आज लेने के बजाय हम कब लेंगे, जब इसके रेट कम होंगे हम इसको तभी लेना पसंद करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें फ्यूचर में अगर रेट बढ़ जाएंगे तो हम इसको आज लेना ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ महंगी होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता चले रात के 12 बजे भाइयों और बहनों पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आप शाम को ही पेट्रोल की डिमांड बढ़ा दोगे। तो फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड होता है प्राइस, उसके साथ इसका क्या रहता है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है। अब फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड इसकी आज बढ़ेगी। बात करें नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी। 100 करोड़ है तो 100 वैक्सीन चाहिए, 135 करोड़ है तो 135 वैक्सीन चाहिए, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ भी क्या रहेगा, इसका पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा सिंपल सा है, अगर जितनी ज्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अमंग द पीपल्स, तो नेचुरली उतने ही ज्यादा लोगों की इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को भी बढ़ाएंगे। तो यहीं से समझ आता है कि सर यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर आप फंक्शंस की बात करें तो आप गूगल करें या कुछ करें, आपको वेदर देखने को मिलेगा कि वेदर के हिसाब से चलता है, सीजन के हिसाब से चलता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती है, बट आपके लिए इतने सफिशियंस हैं। अगर आप और देखना चाहें तो आप और भी देख सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर दें तो आपको और भी जो इसके फंक्शंस रहेंगे वो भी बताएंगे। बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक को लेके, दैट इज अबाउट जो चेंज इन डिमांड। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज इन डिमांड, तो चेंज जो होती है वो सारी की सारी तभी आपको समझ आएगी जब आपको क्या समझ आएगा, जब आपको डिमांड फंक्शन समझ आएगा। डिमांड फंक्शन समझ नहीं आया तो पीछे जाके प्लीज एक दफा देख लें। तो डिमांड फंक्शन से ही हमारी निकलेगी चेंज इन डिमांड। तो कहते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या कह रहे हैं, सो डिमांड जो फंक्शन करती है उसके जो हमारे PR, PX, YT, FE जो हमने लिखे हैं, यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और चेंज इन डिमांड, डिमांड दो तरह से चेंज होती है, सबसे पहले लिखा है मूवमेंट एंड सेकंड वन इज योर शिफ्टिंग। दो तरह से है, एक मूवमेंट और एक शिफ्टिंग। तो गाइज अगर आप मूवमेंट की बात करें और शिफ्टिंग की बात करें, सर इनमें फ़र्क क्या है, मूवमेंट तब होती है जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स चेंज होता है। सो गाइज जो अजम्पशन का सबसे पहला वाला है प्राइस ऑफ एक्स, यानी प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी चेंज होगी, देयर इज विल बी अ मूवमेंट इन डिमांड। बट अगर रिमेनिंग चीज़ें जो हो रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, बट अगर प्राइस को छोड़ के बाकी चीज़ें चेंज होती हैं, लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आपकी इनकम, आपका टेस्ट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर ये चीज़ चेंज होती है तो जो डिमांड चेंज होगी उसको कहेंगे हम शिफ्ट इन डिमांड। तो यहाँ पे आती है मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। तो मूवमेंट तब होती है जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स चेंज होता है, और शिफ्टिंग तब होती है जब प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ के कोई भी चीज़ इसमें से चेंज होगी। तो अगर बात करें मूवमेंट और शिफ्टिंग के आगे, तो मूवमेंट में दो तरह की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट मैं स्लाइड में आपको डायग्राम भी बताऊंगा, फिलहाल हम रिटर्न मटेरियल देख रहे हैं। तो हम कहते हैं कि मूवमेंट दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंशन, एक होती है कॉन्ट्रेक्शन। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना। सो एक्सटेंशन क्या कहती है, व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, देन द फिनोमेना इज नोन एज द एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड। तो क्या कहता है कि जब प्राइस ऑफ एक्स, मैंने क्या कहा, मूवमेंट तब होगी जब सिर्फ प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी यानी पी ऑफ एक्स चेंज होगा। तो कहते हैं जब प्राइस ऑफ एक्स क्या होगा, कम होगा, तो मूवमेंट होगी, बट मूवमेंट के अंदर क्या रहेगी, आपकी एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन डिमांड। जबकि ऑपोजिट कर दें तो प्राइस ऑफ एक्स का बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसको कहेंगे हम कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो एक्सटेंशन इन डिमांड और कंट्रैक्शन इन डिमांड आप यहां से समझ सकते हैं कि मूवमेंट तभी होते हैं जब प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, यानी कि जब इस मोबाइल का खुद का प्राइस चेंज होगा तो ही मूवमेंट होती है। और मूवमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आपकी एक्सटेंशन और एक आती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन। और अगर
एक्सटेंशन की बात करें तो प्राइस ऑफ एक्स कम होगा तो आपकी एक्सटेंशन रहेगी, और प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। साथ ही बात करें सेकंड वन इज अबाउट द शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग बड़ा इजी है कि प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ दें, बाकी को कोई चीजें जब चेंज होंगी, यानी कि बाकी के जो हमारे डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड चेंज होंगे तो क्या कहलाएगी हमारी, दैट बी कॉल्ड एज अ शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड वन इज योर डिक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड की अगर बात करें गाइस तो बाकी सारी चीजें यानी प्राइस ऑफ एक्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बाकी चीज में से कोई भी एक चीज चेंज होगी तो आपकी क्या कहलाएगी, शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग के अंदर दो चीजें आ रही है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इंक्रीज क्या कहता है, ड्यू टू राइज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर और चेंज इन द प्रेफरेंस टेस्ट एक्सेट्रा देयर विल बी अ चेंज इन डिमांड, दैट बी नोन एज इंक्रीज। तो हम कहते हैं कि जो डिमांड तब चेंज होगी बाकी प्राइस को छोड़ के, बाकी चीजें जो चेंज हो रही हैं उसकी वजह से कोई चीज चेंज होगी उसको कहेंगे इंक्रीज। और ऑपोजिट अगर वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, जो पॉजिटिव रिलेशन था, अगर वो बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसको इंक्रीज कहेंगे और दूसरे को कहेंगे डिक्रीज। तो गाइज एक्सटेंशन का मतलब भी डिमांड बढ़ना है और इंक्रीज का मतलब भी डिमांड बढ़ना है, बट मैटर कर रहा है कि डिमांड किसकी वजह से बढ़ रही है, प्राइस ऑफ एक्स की वजह से बढ़ रही है यानी उसी खुद की प्राइस से बढ़ रही है, तो उसका बढ़ना कहता है एक्सटेंशन। और अगर बाकी चीजें यानी प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ के किसी और चीज की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसको कहेंगे हम इंक्रीज। एंड ऑपोजिट कर लेंगे कॉन्ट्रेक्शन और डिक्रीज, कि प्राइस ऑफ एक्स की वजह से डिमांड कम होगी दैट बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रेक्शन, और बाकी की वजह से अगर चेंज होगी तो क्या रहेगा, दैट बीज डिक्रीज। आइए इसको एक दफा डायग्रामेटिकली समझ लें। तो डायग्राम जैसे कि आप चार डायग्राम्स यहाँ पे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो डायग्राम्स क्या कहती हैं यहाँ पे, फर्स्ट टू जो हैं हमारे यहाँ पे, तो फर्स्ट टू जो हैं हमारी कहती है एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन पॉइंट ए से जहाँ बी पे आ रहे हैं। तो ध्यान से देखें, अगर प्राइस कम होगा तो यहाँ पे, अगर आपका प्राइस कम होगा तो नेचुरली आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। और ऑपोजिट कर ले तो कॉन्ट्रेक्शन में क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ने से कॉन्ट्रेक्शन पॉइंट ए टू बी एरो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट इन डिमांड। जबकि दूसरी डायग्राम की बात करें तो दूसरा शिफ्टिंग बता रहा है, जहां पे आपका प्राइस ऑफ एक्स ध्यान से देखें तो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज हो रही है आपकी डिमांड का डी डी टू डी डी वन तक, और आपका प्राइस चेंज रह रहा है, सेम रह रहा है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो प्राइस थोड़ा ना बढ़ रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरे इसके फोन थोड़ा ना बढ़े, रेट थोड़ा ना बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि सर आपकी प्राइस विल रिमेन सेम, बाकी चीजें जो होंगी वो आपकी चेंज हो जाएंगी। यहीं पे आपको इंडिकेट करता है कि सर आपकी जो है डिमांड जो हो रही है वो शिफ्ट हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट इन डिमांड का। आई होप आप ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे, नहीं समझ आए तो डोंट वरी, व्हाइट बोर्ड पे हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारे तरफ से यही टॉपिक्स जो हैं, हम ओवरव्यूज की बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ डिमांड, हम डिमांड फंक्शन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। गाइज इसको स्किप मत करें, व्हाइट बोर्ड की वीडियो मिस ना करें, व्हाइट बोर्ड वीडियो की मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाते, उसमें मैं आपको डायग्रामेटिकली और हर चीज़ें डिटेल में समझाएंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा दैट इज अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम अगला समझेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स पे अपना नाम, अपना कोई भी क्वेश्चंस है या व्हाट्सएप नंबर जरूर छोड़ें, उसमें कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी, शेयर करना ना भूलें और लाइक तो आप ही के हाथ में है। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।